नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको लौंग के औषधीय गुणों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, लौंग कई चीज़ों में काम आता है, कई रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इस बारे में बताऊंगा। तो पहला है मूर्छा में, व्यक्ति के मूर्छित हो जाने पर लौंग को घिस कर उसका अंजन करने से मूर्छा जल्दी ठीक होती है। दूसरा है दंत रोग में, दांत दर्द में या दांत संबंधी किसी भी पीड़ा में लौंग का तेल अत्यंत उपयोगी है। साथ ही इसका सेवन दाढ़ शूल में भी लाभ पहुंचाता है। तीसरा है वमन में, यानी कि उल्टी में, गर्भवती स्त्री को वमन होने पर लौंग चूर्ण को शहद के साथ चाटना चाहिए। चौथा है जुकाम में, लौंग का काढ़ा बनाकर गर्म में ही पीने से जुकाम में आराम मिलता है। पांचवा है रतौंधी में, रतौंधी होने पर लौंग को बकरी के मूत्र में मिला घिसकर आँखों पर लगाने से फायदा होता है। छठा है दमे में, दमे की समस्या में बार बार खांसी आने पर मुंह में लगातार लौंग रखना हितकर होता है। इससे मुंह सूखता नहीं है और खांसी नहीं आती है। सातवां है खांसी में, खांसी ज्वर अरुचि प्रमेह संग्रहणी और गुल्म होने पर लौंग जायफल और पीपल एक बहेड़े का तीसरा भाग, काली मिर्च 2 भाग और अदरक 16 भाग जलाकर बारीक पीस लें। तत्पश्चात उसे उतनी ही शक्कर डालकर सेवन करने से आराम मिलता है। अथवा लौंग के साथ काली मिर्च और बहेड़ा समान मात्रा में लेकर चूर्णित कर लें। साथ ही इनमें कत्था या खैर की छाल भी पीस कर मिलाएं। इसके बाद इसे बबूल की छाल के काढ़े में डालें। इनका सेवन दिन में 3 बार करने से काफ़ी लाभ होता है। साथ ही लौंग को मुंह में डालने से भी खांसी कम होती है। आठवां है अरुचि में, भूख न लगने की स्थिति में लौंग के चूर्ण को शहद के साथ सुबह जो है कि चाटने से रुचि खुलती है। तो दोस्तों, ये थी लौंग के फ़ायदे के बारे में जानकारी। आपको ये जानकारी मेरी कैसे लगी? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।